बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबू धाबी में अगर आप जाना चाहते हैं और अबू धाबी से बाहर निकलना चाहते हैं, दुबई शारजा के लिए हैं, दुबई शारजा से अबू धाबी आना चाहते हैं, यानी कि दुबई यूएई की 7 रियासतों से अगर अबू धाबी आना चाहते हैं, तो अबू धाबी ने 2 बड़े ऐलान कर दिए हैं और दोबारा से फिर किए उन्होंने ऐलान, ताकि मैं आपको बताऊँ कि आप लोग उधर अभी ट्रैवल नहीं कर सकते। अबू धाबी ने 1 हफ़्ते के लिए कहा था कि 1 हफ़्ते के लिए अबू धाबी के बॉर्डर बंद किए जा रहे हैं, कोई भी रियासत वाला, यानी कि दूसरी रियासत है दुबई शारजा अजमा, कोई भी रियासत वाला अबू धाबी दाखिल नहीं हो सकता, ना अबू धाबी से आप लोग निकल सकते हैं, दूसरी रियासत में जा सकते हैं। पाबंदी थी 1 हफ़्ते की, लेकिन वो भी कल ही लगाई थी। और मज़ीद उनके बाद उन्होंने फिर ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए नहीं, मज़ीद 1 हफ़्ता जब ख़त्म होगा उसके बाद 10 से 15 दिन का मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा। तो ये उन्होंने फ़ैसला किया है, तकरीबन 3 हफ़्ते अबू धाबी का बॉर्डर बंद रहेगा। और उसके बाद उनका ये भी कहना है कि हमने 40 रुकनी टीम जो है डॉक्टरों की अमेरिका से अबू धाबी बुला ली है, आज वो पहुंच गई है और वो दुबई अबू धाबी के जितने भी कोरोना के मरीज़ हैं उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे और वो ऐसी ऐसी चीज़ें बताएँगे जिससे अबू धाबी में कोरोना ना फैले। बाहर ये कुछ अपडेट थी। मैंने कहा आप अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं अबू धाबी में, तो अभी आप ना करें, क्योंकि अब नहीं जा सकते, आपका पेट्रोल और टाइम वेस्ट होगा। अगर अबू धाबी से आप दूसरे शहर जा सकते हैं तब भी आप नहीं निकल सकते। और इस तरह की अपडेट्स आपको देता रहूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि नई सी अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। सलाम।